तो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे वीडियो ट्यूटोरियल। हमारे एक ऐप यूजर है, मेरा मोबाइल ऐप भी है, जहां पे मेरे सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, एक प्रॉब्लम शेयर की कि उनको किसी फाइल को शेयर करने में प्रॉब्लम आती है। अब शेयर क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि आप एक ही फाइल पे दो या तीन से ज्यादा लोगों को काम करवाना चाहते हैं। ये तभी संभव है जब आपके सारे पीसी एक लैन एरिया से कनेक्टेड हो। लैन एरिया से, वैन से नहीं, लैन एरिया, लोकल एरिया से। तो ये आपका ड्राइव कोई और ड्राइव भी एक्सेस कर सकता है, तो पॉसिबल है। या कोई एक टीम ड्राइव है जहां जिसमें सारे बंदों की एक्सेस होती है, तो ऐसे केसेस में की जा सकती है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले रिव्यू में यहां पहले आता था शेयर वर्कबुक, शेयर वर्कबुक विथ लेजेसी, बट यहां पे है नहीं। तो आपको जाना होगा फाइल के अंदर ऑप्शन में, ऑप्शन के अंदर जाना है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में आने के बाद यहां आप ऑल कमांड कर लें और यहां एस एच पे आ गया, सेम आगे SHA करके यहां पे आएगा, शो नहीं, यहां शेयर, यहाँ राइट शेयर, शेयर के नीचे शेयर वर्कबुक विथ लेजेसी। अब इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो नहीं होगा, हमें एक लास्ट में प्रोटेक्ट के बाद एक यहाँ पे एक ग्रुप बनाना हो। तो यहाँ न्यू ग्रुप पे कर दिए और इसको लेके मैंने यहाँ पे कर दिया ऐड। ये हो गया ऐड। ऐड करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे ओके किया, आप देखें यहाँ पे आ गए। लेकिन उससे पहले अपने फाइल को कर लीजिए सेव। जी, सेव करना जरूरी है, फाइल एक क्रिएटेड होना चाहिए। फिर शेयर वर्कबुक पे जाता हूं, यहाँ यूज दिस ओल्ड शीट वर्कबुक फीचर्स करके इस पे क्लिक कीजिए। और ये सब चीजें हैं, एडवांस में भी चीजें हैं, जैसे कुछ चीजें हैं कि आपकी चेंज हिस्ट्री 30 डेज और बहुत सारी चीजें रखना चाहते रखें, हटाना चाहते हटाए। मेन्यू फाइल सेव ऑटोमेटिकली करेंगे तो 15-15 मिनट पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बारे में बाद में करते हैं, बस यहीं पे आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे ओके कीजिए। ओके करने के बाद ये देखिए ऊपर फाइल नेम के बाद यहाँ पे दिखेगा शेयर, शेयर लग गया। अब मैं दूसरे पीसी पे इस फाइल को ओपन करके कुछ चेंज करता हूं। तो दूसरे पीसी पे मैं इस फाइल को खुला तो वहां मुझे रीड ओनली में नहीं खुला। मैंने 100 को टाइप करके एंटर मारा, ये सेव कर दिया। अब मैं यहां पे जैसे अपनी फाइल को सेव करूंगा, 50 के नीचे 100 आ जाएगा और यहां पे अपडेट आ गया, ये आपको यहां पे ले लिया। इसमें और भी फीचर ऐड करना होता है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, फिर सबको एक्सेप्ट करना है, सबको रिजेक्ट करना है, किसी ने चेंज किया है हो, वो फीचर्स भी आप ऐड कर सकते हैं फाइल बिन बार से। अब मैं यहां को चेंज करूंगा, जैसे मैंने यहां पे 500 करके जैसे ही सेव करूंगा, सेव करने के बाद दूसरे पीसी पे सेम लोकेशन पे 500 हो जाए। लेकिन ध्यान देखिए, जैसे ये 500 मेरा है, अब मैंने एक ही बार में जैसे कि मैंने यहां पे 600 लिख दिया, ठीक है, 600 लिखने के बाद मैंने इसको कर दिया सेव, और दूसरे पीसी पे सेम लोकेशन पे मैंने 100 लिख दिया, 100 लिख के कर दिया सेव, तो मेरा 600 जो है रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे एक चीज है, देखिए जैसे कि 100 मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दूसरे पीसी पे 200 लिख दिया और सेव कर दिया। अब यहां इसको मैं अगर 200 लिख के जैसे एंटर मारूंगा और जैसे करूंगा सेव, या देखिए मान लीजिए यहां पे 300 है, 300 लिखा और मैंने यहां भी 300 कर दिया एक लोकेशन, और यहां भी देखिए 300 आ गया।
मतलब कहने का मतलब कि आप जब दो पीसी पे काम करें तो इग्नोर करें कि एक ही सीट पे काम करना, या सीट पे आप अब ये कर ले कि भाई तुमको करना है 16 तक, मैं 16 के नीचे करूंगा, क्योंकि अगर आप एक ही बार में दो जगहों पे काम करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ते शेयर वर्कबुक की फीचर्स होते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए जहां पे सारे के सारे कोर्सेस के रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। थैंक यू।